हिमाचल प्रदेश में सुन्नी उपसेवा केंद्र का उद्घाटन 2017 में महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया था। इस मौके पर पंजाब जोन के पूर्व निदेशक बीके अमीर चंद भी मौजूद थे। इस उद्घाटन के बाद से सुन्नी के आसपास लगभग 82 गांव में अब तक ईश्वरीय संदेश देने का कार्य संपन्न हो चुका है। ईश्वरीय सेवा के प्रथम वार्षिक उत्सव पर हिमाचल सरकार के पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर भी विशेष रूप से उपस्थित रहे। द्वितीय वार्षिक उत्सव पर तत्कालीन राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी सेवा केंद्र पर आए और संस्था के कार्य की प्रशंसा की। मंदिर सजता मूरत से और अंबर जैसे तारों से, भारत माँ का सजा है आंगन परम पिता के प्यारों से। रक्षाबंधन के अवसर पर महामहिम राज्यपाल बंडारू ने बीके बहनों को शिमला के राजभवन बुलाकर सम्मानित किया। कोविड-19 के दौरान फ्रंटलाइन वॉरियर्स को तथा पुलिस प्रशासन के लोगों को ईश्वरीय सौगात देकर सम्मानित किया गया। एसपी शिमला मोहित चावला ने सुन्नी सेवा केंद्र पर आकर बीके बहनों को उनकी सेवाओं के लिए एक प्रशस्ति पत्र भी दिया। शिव जयंती के अवसर पर एक बार फिर पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर जी तथा चंडीगढ़ की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके अनीता ने इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिए। इसी बीच कंडा जेल में कैदियों को राखी बांधकर उन्हें ईश्वरीय संदेश दिया गया। इस वर्ष विशेष महिला दिवस पर हिमाचल प्रदेश के विभिन्न महिला मंडल एवं भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की पदाधिकारी बहनों के लिए महिला सशक्तिकरण दिवस मनाया गया, जिसमें सैकड़ों महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।